Good morning students, welcome back. So today we are going to start your new chapter, which is chapter number 10, percentage in its application. Percentage kya hota hai aur usko hum kahan kahan pe istemal kar sakte hai. Percentage and its application. To thoda history mein chalte hain ki percentage actually aaya kahan se. To ye jo word hai percentage, ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है, लैटिन से आया है, जिसको दो अलग अलग वर्ड में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि है पर और सेंटी। तो यहां पे इसको हम पर सेंटी ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, जैसे हम संस्कृत में संधि तोड़ते हैं ना, वैसे ही लैटिन वर्ड्स की भी आप उसकी संधि तोड़ सकते हो। तो पर का मतलब आपको पता ही है और सेंटी का मतलब भी आपको पता है, जो हमने किया था मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, जिसमें सेंटी का मतलब होता है 100। तो पर 100 को ही परसेंटेज बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 10 में से 9 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 में से कितने करेंगे। व्हेन यू आर कंपेयरिंग एनीथिंग विद 100 नंबर ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज को जब आप 100 चीजों के साथ कंपेयर करते हो तो वो परसेंटेज बन जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल के मार्क्स के जो परसेंटेज है वो आपको दिखा रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट मिला के 100 में से कितने नंबर आपके हो रहे हैं, एवरेज निकालते हैं, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं। लाइकवाइज हम बोलते हैं कि शेयर बाजार जो मार्केट है वो 2% बढ़ गया, तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर 100 रुपए में बढ़ रहा है तो उसमें से 2 रुपए आपके बढ़ गए या 4 रुपए आपके कम हो गए। तो परसेंटेज आपको 100 में से गिनती दिखाता है, चाहे वो 100 रुपए हो सकते हैं, 100 नंबर हो सकते हैं, 100 मीटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट इट इज पर सेंटी, जिसका मतलब होता है 100 में से कितना, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज। तो इसी के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे नंबर्स को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कुछ एग्जांपल्स में लेता हूं। ये चैप्टर हालांकि है बहुत इजी और मजेदार भी है। सपोज आपके पास सारे होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स आपको पता ही है, होल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स सारे हैं। अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फॉर सपोज मेरे पास 21 है, तो इस 21 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, 21 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं 21%। ये 1/100 जो है वो परसेंट दिखाता है। आया समझ में? थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा बट कुछ कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 से लेके 100 तक तो आपको सारे नंबर पता चल गए कि भाई 78 है तो वो 78% है कि नहीं। बट मान लो कि आपको अगर फ्रैक्शन दिया हो, यहाँ पे मैं आप बुक का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फ्रैक्शन दिया गया है 24/100, तो इसको हम परसेंटेज में कैसे करें। आपको पता है 1/100 इज इक्वल टू परसेंटेज है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 24 into 1/100, और ये परसेंटी मतलब परसेंटेज, तो ये कितना हो गया 24% है कि नहीं। और परसेंटेज को इंडिकेट करने के लिए हम स्लैश और उसके लेफ्ट और राइट दो सर्कल इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोला जाता है परसेंटेज साइन। ठीक है, तो रैशनल नंबर को भी कन्वर्ट करना आ गया। अब बोलोगे सर ये रैशनल नंबर में यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 था तो बहुत इजीली हमने कन्वर्ट कर दिया, अगर डिनोमिनेटर 0 ना हो तो हम क्या करें, वो भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू डू हैव 7/20, आपके टेक्स्ट बुक का ही है, ठीक है, 7/20 करना है, क्या करना है 7/20, तो कुछ भी मत करो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझो, इससे पहले वाला प्रॉब्लम था 24/100, ठीक है, इसको ले लो या इसको ले लो या चाहे कोई भी फ्रैक्शन ले लो, कोई भी फ्रैक्शन अगर हो तो उस फ्रैक्शन को आप
कुछ भी मत करो, मल्टीप्लाई विथ 100 करो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई विथ 100। तो इससे पहले वाला प्रॉब्लम था उसमें से 100 और 100 कैंसिल हो गए थे और 24% आया। यहां पे देखो एक जीरो हो जाएगा कैंसिल, 2 फाइजा हो जाएगा 10 और 7 फाइजा हो जाएगा 35। तो ये हमारा हो गया 35%। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, फ्रैक्शन क्या ही रहते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। अभी मैं ले रहा हूं 29/14, 29/14, ये भी फ्रैक्शन में है। इस फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन हो आंख बंद करके मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो 0 एंड 0 विल गेट कैंसिल, 4 के दो फैक्टर्स बन सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास बच क्या गया, 29 × 5 होल डिवाइडेड यहां पे बच गया 2। 29 × 5 = 5 × 9 = 45, रिमाइंडर इज 4, 5 × 2 = 10 + 4 = 14, 145 होल डिवाइड बाय 2। आपको पता है ये डिवीजन पॉसिबल है, 2 7 = 14, 2 2 = 4, एक बच गया और एक 2 से छोटा है इसलिए हमें पॉइंट लगा के 0 देना होगा तो बन जाएगा 10, 2 5 = 10, तो 72.5% हो गया कि नहीं? अच्छा है, मजेदार है, वेरी बेस्ट। तो हम दो चीजें सीखी कि 100 के नीचे कोई भी नंबर हो, क्या बोल रहा हूं, 100 के नीचे कोई भी नंबर हो तो वो डायरेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है, वही परसेंटेज है वैसा बोल सकते हैं। जब फ्रैक्शन की बात आती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो आपको 100 मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देना है तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो हाँ, अभी और एक प्रॉब्लम है डेसिमल का, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम देखते हैं। यहां पे हमें दिया गया है 0.5, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जबकि ये खुद एक डेसिमल है। तो आपको रास्ता मालूम है, डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट। So 0.5 can be written as 5/10। ये चीज आप पिछले चैप्टर से जानते ही हो, रेशियो से जानते हो, फ्रैक्शन में जानते हो। अभी 5/10 को कुछ नहीं करना है, 100 मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 एंड 0 विल गेट कैंसिल, 5 × 10 = 15% हो गया। इजी लगा? ठीक है, तो अभी हम और कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड डेसिमल, हमने क्या किया, अलग अलग नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया और डेसिमल को भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अभी हम उल्टा करते हैं, हम परसेंटेज को फ्रैक्शन या फिर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं, आप उसको अच्छे से समझो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं पहला ले रहा हूं 55%, 55%। तो एक चीज आप याद रखो, ये जो परसेंटेज है इसका मतलब होता है पर सेंटा, जिसका मतलब होता है 100 में से कितना, ठीक है। तो परसेंटेज का अगर कोई मतलब पूछे तो यू कैन से दैट 1/100 इज अ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो यहां पे 55 को एज इट इज रखो, 55 को बदलो मत। परसेंटेज का मतलब है 1/100, तो यहां पे लिख लो 1/100। सिंपलीफाई करते हैं, 55 के फैक्टर्स होते हैं 11 5 सा, राइट। 100 के फैक्टर्स होते हैं 25 सा। 5 इन अ डिनोमिनेटर, 5 इन अ न्यूमरेटर कैन बी कैंसिल्ड, तो इसका आंसर आ जाएगा 11/20। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में आंसर। अगर रेशियो में आंसर चाहिए तो कुछ नहीं करना है, 11:20। अगर डेसिमल में आंसर चाहिए तो डिवीजन कर।
11 अंदर 20 बाहर। हमें पता है कि 20 जो है डिवाइजर जो है वो डिविडेंड से बड़ा है, तो हमें डिविडेंड को बड़ा बनाने के लिए यहां पे पॉइंट देना पड़ेगा। जब हम इसको पॉइंट देते हैं वी विल गेट 0 एंड द डिवाइजर विल बिकम ग्रेटर देन सॉरी डिविडेंड विल बिकम ग्रेटर देन अ डिवाइजर। अभी 20 के टेबल पे 110 नहीं आता, सो 25 आर 100, रिमाइंडर विल बी 10, अगेन वी कैन पुट वन मोर जीरो एंड 25 आर 100, आंसर विल बी 0.55। तो इसका आंसर 0.55 भी है। अगर फ्रैक्शन में पूछे तो आप यहां तक लिखो, रेशियो तक पूछे तो आप यहां तक लिखो, डेसिमल्स में पूछे तो आप ये आंसर लिखो। इट डिपेंड्स ऑन अ क्वेश्चन आस्क्ड, क्वेश्चन में क्या पूछना है उस हिसाब से आंसर आएगा। इजी लग रहा है, और एक लेते हैं। लेट अस टेक 30% और ये सारी चीजें पॉज करके जितना भी इंपॉर्टेंट लग रहा है सीडब्ल्यू में लिख लेना। अभी आगे बढ़ते हैं 30%। सो लेट अस से 30%। हमें परसेंट का मतलब पता है कि परसेंट मतलब होता है पर सेंटी का मतलब होता है 1/100, तो परसेंटेज को हटा दो और उसकी जगह पे 1/100 लिखो, तो 30 × 1/100, 0 and 0 will get cancel, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/10। अगर फ्रैक्शन में आंसर है तो रेशियो में पूछा तो 3:10, और अगर डेसिमल में पूछा तो 3/10 करना पड़ेगा, 3/10, 3 <10, तो we have to put point, तो point डालने के बाद we will get 30, 10, 3 = 30, remainder becomes 0, so your answer is 0.3 in case of decimal, decimal में पूछा तो ये answer, easy है, तो ठीक है, तो ये जो पहला है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। अभी कुछ हम और प्रॉब्लम करते हैं जो कि इन्हीं के जैसे इजी हैं, तो एक्सरसाइज पूरी आप कर सकते हो। तो और एक प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छा, उस प्रॉब्लम को लेने से पहले थोड़े हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2%, अगर मैं बात करता हूं कि 2% मुझे चाहिए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सभी 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से 2 रुपए मुझे मिलेंगे, 200 कमा रहे हैं तो 4 रुपए मिलेंगे, 300 कमा रहे हैं तो 3 × 2 = 6, 6 रुपए मुझे मिलेंगे, लाइकवाइज ये कैलकुलेशन है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं 20% की, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपया मुनाफा हो रहा है, 100 रुपया कमा रहे हैं, तो उसमें से 20 रुपए मेरे हैं, अगर 100 रुपए का नुकसान भी हो रहा है तो मुझे 20 रुपए देने। परसेंटेज का मतलब होता है पार्टनरशिप, आप ज्वाइंट हो उसके साथ, राइट? ठीक। तो अगर मैं पूछूं कि 2%, तो आप सीधा हिसाब लगा लेते हो, तो 20% बोलो तो सीधा हिसाब लगा लेते हो 20, पर अगर मैं पूछूं कि मुझे 50 रुपए के 2% चाहिए, तो आप सोचोगे यार 50 रुपए के 2% कैसे निकालो, या फिर मैं बोलूं कि 150 रुपए के 4% चाहिए, तो आप सोचोगे ये 150 के 4% कैसे निकालो, है कि नहीं? मैं पूछूं आपको कि 975 रुपए के 15% चाहिए, तो 975 के 15% कैसे कैलकुलेट करो, हाँ या ना? तो जब 100 में से होता है, परसेंटा होता है, तब आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है, बट व्हेन आई एम चेंजिंग द वैल्यू तो ये कैलकुलेशन टफ हो जाता है, मेंटली नहीं कर सकते। तो अभी जो मैं सिखाऊंगा उसके बाद ये कैलकुलेशन आप मेंटली भी कर सकते हो और पेन और पेपर के साथ भी कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट, परसेंटेज ऑफ अ वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, परसेंटेज ऑफ अ वैल्यू, एक प्रॉब्लम लेते हैं, 20% of 250, 20% of 250, आपने एलजिब्रा में सीखा ही हुआ है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, राइट? और अभी के चैप्टर में आपने सीखा कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, 20
परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 250 वैसे का वैसा, जो भी चीजें कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट करो, 10 एंड 10 कैंसिल, अनदर जीरो कैंसिल, तो बचा क्या है 2 and 25, तो 2 into 25 becomes 50, तो ये कितना हो गया 50 हो गया। यहाँ पे आप परसेंटेज नहीं लिखोगे क्योंकि एक परसेंटेज की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है, 250 रुपए का 20%, 20% of 250 rupees is 50 rupees, समझ में आया, ठीक है। और एक प्रॉब्लम लेते हैं, 35% of 600 rupees, 35% of 600 rupees, 35% of 600 rupees, यहां पे पैसों की बात कर ली, 35 एज इट इज, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 600 हम लिखेंगे वैसे का वैसा, जो भी नीचे ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर व्हिच आर द फैक्टर्स आर कॉमन यू हैव टू कैंसिल, 0 एंड 0 विल गेट कैंसिल, अनदर 0 एंड अनदर 0 विल गेट कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 35 into 6, तो 35 into 6, 6 5 are 30, remainder is 3, 6 3 are 18, 19, 20, 21, 210 rupees, मतलब 600 रुपए का 35% 210 रुपए होता है, ठीक है, तो 210 रुपए अगर आपको मिलेंगे, अगर 600 रुपए कमाए हैं तो 35% के हिसाब से आपके पार्टनरशिप के हिसाब से इतने रुपए आपको मिलेंगे। और एक है 1% of 1 hour, 1 घंटे का 1% कितना होगा, अच्छा है ना, यहाँ पे देखो यूनिट कन्वर्जन भी आएगा जो हमने रेशियो में सिखा था, सो 1% of 1 hour, तो यहाँ पे 1% मतलब छोटा हो जाएगा, तो आंसर घंटे में नहीं आएगा, मिनट में आएगा, तो सबसे पहले हमारा काम यह है कि 1 hour को मिनट में कन्वर्ट करो, सो 1% of 60 मिनट, ये ज्यादा सही रहेगा क्योंकि हमने छोटा कर लिया तो परसेंटेज में डिवीजन होगा तो आसानी हो जाएगी, सो हियर यू कैन राइट 1% का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 60 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट, जो भी कैंसिल हो रहा है यू हैव टू कैंसिल इट आउट, 0 एंड 0 विल गेट कैंसिल, 10 के फैक्टर्स होते हैं 5 2s आर, 6 के भी फैक्टर्स होते हैं 3 2s आर, तो जो भी कॉमन फैक्टर्स है आप कैंसिल कर सकते हो, तो बचा क्या 3/5 मिनट, ये हो गया फ्रैक्शन में आंसर, रेशियो में हो जाएगा 3:5 मिनट, ठीक है, और अगर डेसिमल में चाहिए तो डिवीजन करो 3/5, तो ये तो काफी कॉम्प्लिकेट, ये छोटा है तो इसको बड़ा बनाने के लिए हियर 0 और यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा पॉइंट, 5 6 30, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0.6 मिनट, तीनों ही आपके आंसर्स है, हो गया, तो ये भी आप चाहो तो पॉज करके लिख लो। तो इसमें कुछ इसी तरीके के प्रॉब्लम है और कुछ है नहीं ज्यादा, तो एक्सरसाइज 10.1 विल बी होमवर्क फॉर यू, बहुत ही आसान है, जो अभी हमने किया ना वैसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको डाउट है नहीं आते हैं तो मुझे जरूर से मैसेज करके बताना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। हमारा रूल सेम ही रहेगा कि वीडियो के होमवर्क के बेसिस के ऊपर ही मैं आपको अटेंडेंस दूंगा, सारे वीडियोस आपको कंपलसरी देखने हैं और नोटबुक भी साथ में कंप्लीट करती रहनी है, अगर नहीं किया तो बाद में लोड आप ही के ऊपर बढ़ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम शुरू करेंगे जो इसी प्रॉब्लम के जैसे इजी है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।